अपनी बेहतरीन एम्पायरिंग से दुनिया भर में नाम कमाने वाले पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार अपनी बनाई परफेक्ट रखने के लिए रोजाना क्या करते हैं, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप भी अलीम डार की तरह अपनी बनाई परफेक्ट रखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप क्रिकेट से मुतल्लिक तमाम वीडियो सबसे पहले देख सकें। पाकिस्तान के मायानाज एम्पायर अलीम डार सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में एम्पायरिंग के फराइज सर अंजाम देने का एजाज हासिल कर चुके हैं और जल्द ही वो वनडे और T20 फॉर्मेट में भी ये एजाज अपने नाम कर लेंगे। लेकिन वो अपनी बनाई परफेक्ट रखने के लिए क्या करते हैं? पूरी दुनिया ये तस्लीम करती है कि अलीम डार के दिए गए बहुत कम ही फैसले गलत साबित हुए हैं। आलमी कप 2011 में अलीम डार के 15 फैसलों पर रिव्यू लिए गए थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने भी उनके तमाम के तमाम 15 फैसले दुरुस्त साबित कर दिए। उसी साल एशियन सीरीज के मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने उनसे तवील बहस की। जब मामला मैच रेफरी तक गया तो पोंटिंग ने बरमला ये कहा कि वो अलीम डार का एहतराम करते हैं और उनकी बहस अलीम डार से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से थी। एक इंटरव्यू के दौरान अलीम डार का कहना है कि एम्पायरिंग के लिए आपको जहनी और जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत होना पड़ता है और वो अपनी बनाई को परफेक्ट रखने के लिए बाकायदगी से टेबल टेनिस खेलते हैं और स्विमिंग करते हैं। कोई भी काम हो वो आप इस वक्त तक बखूबी नहीं दबा सकते जब तक आप पॉजिटिव और नेगेटिव पुरस्कून रहकर ठंडे दिमाग के साथ ना करें। जहां तक गलती का ताल्लुक है तो हर इंसान से हो सकती है। अगर कोई फैसला तब्दील हो जाए तो उसे अपने जहन पर सवार नहीं करता क्योंकि इससे आपकी तवज्जो हट जाती है। दोस्तों, अगर आप भी अलीम डार को एक अच्छा एम्पायर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप क्रिकेट से मुतल्लिक मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की मजीद वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।